दोस्तों, एक राज्य में जयसिंह नामक बुद्धिमान राजा राज करता था। वह इतना बुद्धिमान था कि किसी भी समस्या का तुरंत निराकरण कर देता। उसके चर्चे दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे। कई पड़ोसी राज्य उसकी बुद्धिमानी से ईर्ष्या करते थे और उसे नीचा दिखाने के प्रायोजन से उसकी बुद्धि की परीक्षा के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमाते थे। एक बार पड़ोसी राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रकला के कानों में राजा जयसिंह की बुद्धिमानी के चर्चे पड़े। उसने भी परीक्षा लेने की ठानी। उसने अपने एक दूत के हाथों दो फूल राजा जयसिंह के पास भिजवाए और साथ ही एक पत्र भी। राजा जयसिंह ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, महाराज, आपकी बुद्धिमानी के चर्चे बहुत सुने हैं। यदि आप वाकई बुद्धिमान हैं तो मेरे द्वारा भिजवाए गए दो फूलों में से असली और नकली फूल को पहचानिए। ध्यान रहे, आप इन्हें छू नहीं सकते। राजा ने देखा कि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने अपने एक सेवक को महल की खिड़कियां खोलने का आदेश दिया। सेवक ने खिड़कियां खोल दी। महल की कई खिड़कियां शाही बाग की तरफ खुलती थी। कुछ देर में मधुमक्खियां महल में प्रविष्ट हुई। पड़ोसी राज्य के दूत के दोनों हाथों के फूलों में से एक फूल पर वे मंडराने लगी। राजा जयसिंह समझ गए कि असली फूल वही है। उन्होंने फूल की तरफ संकेत करके कहा कि वही असली फूल है। राजा का उत्तर सही था। दरबार में राजा के बुद्धिमानी की प्रशंसा होने लगी। दूत ने वापस जाकर राजकुमार चंद्रकला को राजा जयसिंह के उत्तर के बारे में बताया। राजकुमारी भी उनकी बुद्धिमानी पर प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहकर उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कुछ ही दिनों में राजा जयसिंह और राजकुमारी चंद्रकला का विवाह हो गया। वे लोग सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी का हर प्रश्न हल और हर समस्या का निवारण है। इसलिए जब भी कोई प्रश्न या समस्या सामने हो तो बुद्धि का प्रयोग करें। धन्यवाद दोस्तों। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।